शंख बजाने से वातावरण होता है शुद्ध, नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है शंख। समुद्र मंथन में मिले 14 रत्न, उसी में से एक रत्न शंख में। अब समाचार विस्तार से। बक्सर संवाद में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं बहुत ही रोचक बातें शंख ध्वनि और शंख पर। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, इसके आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं, यह मेरा विश्वास है। सभी लोग शंखों को दिखाइए और शंख को आप लोग प्रणाम कर लें, भगवान नारायण को प्रणाम कर लें। चलिए शंख वादन प्रारंभ हो, सभी लोग बजाएं। अभी आपने जो शंख ध्वनि सुना, यह जीयर स्वामी जी के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ वाराणसी के दौरान 11,000 शंखनाद की शंख ध्वनि है, जो अपने आप में ही एक विश्व कीर्तिमान बना। आइए जानते हैं सबसे पहले शंख वादन का महत्व और हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। किसी भी धार्मिक आयोजन कथा, पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि के समय शंख बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले 3 बार शंख बजाने से वातावरण से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है। शंख के ध्वनि से देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं, इससे मन को भी शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त शंख की ध्वनि से पूजा का विविध वस्तुओं में चैतन्यता जागृत होती है, ताकि पूजा सार्थक हो सके। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकलने वाले 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी था। शंख बजाने से कुंभक, रेचक तथा प्राणायाम क्रिया एक साथ होते हैं। ऐसा माना गया है कि शंख बजाने से हमारे शरीर से 70 से अधिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है उस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को अध्ययन करने के लिए विद्वान और शोधकर्ता जब बनारस के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में एक साथ 11,000 शंख वादन किया गया तो उस समय वहाँ मौजूद रहे। 11,000 एक साथ शंखनाद की ध्वनि जो जियो स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान विश्व कीर्तिमान स्थापित कर गया। इस शंख ध्वनि के आने वाले समय में काशी या ब्रह्मांड पर होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन भी किया जाएगा, ऐसा वहाँ के कुछ शोधकर्ताओं ने कहा है। आइए सुनते हैं कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं की बातें और उनका संबोधन। हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी रिपेयर होता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये देखना है कि ये शंख ध्वनि जो आज हो रहा है इसका क्या इफेक्ट है। ये ध्वनि सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसके बाद भी इस पर रिसर्च किया जाएगा। हमारे कुछ रिसर्च फेलो हैं जो कि इसको देखेंगे कि इस ध्वनि के पहले और इसके बाद शंख की ध्वनि की जितनी दूरी तक पहुंची वहां तक और ब्रह्मांड में इसका क्या असर हुआ, इसकी पूरी तरह से अन्वेषण किया जाएगा, शोध किया जाएगा कि सोशल जो चेंजिंग आएंगे इसके ऊपर और जो वैज्ञानिक चेंजिंग आएंगे इसके ऊपर, उन सभी का शोध के बाद उसको देखा जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ और शंख ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ा विश्व जानस मानस पटल पर। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि शंख हमारे आत्मविश्वास को पूरित करता है, हमारे
हमें हमें बल देता है। अब ये देखना है कि विश्व के शांति के लिए और विश्व पटल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस 11,000 सैनिकों का। धन्यवाद आप सबों का इसमें भाग लेने के लिए। धन्यवाद। लिखे हैं और बहुत 8 साल की आयु में उनका झुकाव हुआ वैदिक ज्ञान की ओर। 1979 से लगातार भारतवर्ष में आते रहते हैं और मिस्टर जोखिम नुस्च फ्रॉम जर्मनी ए फिलोसफर एंड वैदिक रिसर्चर हु आज वन ऑफ द कंसेप्चुअलाइजर्स ऑफ दिस इवेंट। आई कॉर्डियली इनवाइट यू टू से फ्यू वर्ड्स इन 2 मिनट्स प्लीज। Thank you very much. It's not on. Namaste. I'm very glad and honored to be here in this auspicious occasion for a world first time world peace project we just started 4 years ago. And I'm very glad that people of India have taken the occasion to come back to their sources, their knowledge, and to their Vedic wisdom about the Shankh, to take the opportunity to create a very powerful influence for harmony, peace, well-being, love. I'm here today after some heavy travels. I've been all over Europe talking about the Shankh. I've been in South America telling the people the knowledge about the Shankh. I've been even last year traveling around India, to South India, at many ashrams and schools, telling the people about the power of the Shankhs. And as you just heard out of the Rig Veda, thank you very much, my dear speaker friend. What is really the power of the Shankh? It's not visible, but you can feel it and you can scientifically measure it. We know by scientific evidence that on a distance of 350 meters, our brain waves are changed, our heart is harmonized, and our mind, which is in a state of chitta, turbulence, gets reduced in his activity and changed into peace. So I will give it for translation to my dear friend Misha. ये कह रहे हैं कि केवल भारतीय संस्कृति ही, मैं दुनिया के विभिन्न देशों में घूमता रहता हूँ अपने शोध के क्रम में, और केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म ही है जिसने शंख के वैज्ञानिक महत्व को समझा है और उसे अपने जीवन शैली में, नित्य जीवन शैली में उतारा है। इनका कहना है कि शंख ध्वनि जब होती है तो 350 मीटर के दायरे में जो लोग होते हैं उन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जिनका मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में है वह जागृत हो जाता है, और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों सकारात्मक रूप से ऊर्ध्वगामी होते हैं। There's one very nice quote I like to tell you after all this beautiful
and spiritual wise words and teachings. I would like to come to the end because my 2 minutes are over. And there is one quote is saying, only say a word when it is more important than silence. And this is the power of the Shang. No word is as powerful as the sound of the Shang. And as we know from the Sutra of Patanjali, there is a very nice quote saying, in the surrounding of yoga, there are no harmful energies and no enemies. In the surrounding of yoga is only peace. Om Shanti. शंख ध्वनि जहाँ तक जाती है तो न केवल उस व्यक्ति का उपचार होता है बल्कि वहाँ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रसार होता है. थैंक यू फ्रेंड जोखिम एंड प्लीज टेक योर प्लेस. दंडवत प्रणिपात करते हुए मैं आप सभी लोगों का, सभी श्रद्धालुओं का इस ऐतिहासिक आयोजन में सादर स्वागत करता हूँ. संत भोज करते हैं और यह कामना करते हैं परमपिता से कि हे प्रभु समग्र विश्व में शांति हो, बंधुत्व हो, नकारात्मक शक्तियों का शमन हो, सकारात्मक शक्तियों का उन्नयन हो. और आज आप परम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के इन प्रयत्नों में, इन सत्संकल्पों में, इस पवित्र समय में आप इस पवित्र महापवित्र आयोजन के साक्षी बन रहे हैं. क्या दे प्रभु आप विश्व का मंगल करें और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम दी जाती है. कल ठीक पूरे काशी वाराणसी और सुदूर से आए हुए संत महात्मा विद्वानों द्वारा धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कल ही अंतिम आयोजन है, परसों दिन तो पूर्ण होती है. तो कल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है. आप सभी लोग संत महात्मा विद्वानों द्वारा जो संदेश दिया जाएगा उसको श्रवण करने के लिए 4 बजे सायंकाल से लेकर के 7 बजे सायंकाल के बीच में धर्म सम्मेलन में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं. और 7 बजे रात्रि से लेकर के 10 बजे रात्रि तक है भजन संध्या के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति जगाने के लिए जो भजन भगवान की भक्ति गायन करने वाले हैं उनके द्वारा भजन को भी श्रवण करेंगे. और बाकी वैदिक परंपरा अनुसार जो कार्यक्रम होगा कल 4 बजे से 7 बजे तक धर्म सम्मेलन, संत सम्मेलन, विद्वत जन गोष्ठी का आयोजन किया गया है. आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं. बाकी जो कार्यक्रम है अपने अनुसार चलते रहेगा. जो बाहर से आए हों, जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी की वास होती है, ऐसा संत महात्माओं और विद्वानों का मानना है. क्योंकि शंख में नारायण का वास होता है और जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी स्वतः अपना स्थान बना लेती हैं और उस घर में धन की वर्षा होती है. शंख से प्रेत बाधा भी दूर होता है. इस सेगमेंट में फिलहाल बस इतना ही. बक्सर संवाद के लिए मैं अच्युत आनंद. हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद. यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें. मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ. जय श्री मन्नारायण.